नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। दिल्ली एयरपोर्ट पर फरीदाबाद के सिंहराज अधाना बाहर निकल चुके हैं फिलहाल, उनका ज़ोरदार स्वागत किया जा रहा है। तिगांव के विधायक राजेश नागर भी हैं, उनकी पूरी टीम भी है। आइए देखते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से हम लाइव हैं, आप देख सकते हैं खिलाड़ी आ रहे हैं, खिलाड़ी निकल रहे हैं। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में मेडल जीता है, देश का नाम रोशन किया है। और सिंहराज अधाना आने वाले हैं, विधायक राजेश नागर उनको एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे और उनका ज़ोरदार स्वागत किया जाएगा दिल्ली एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं खिलाड़ी आ चुके हैं, विधायक राजेश नागर उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं विधायक राजेश नागर दिखाई दे रहे हैं उनके साथ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इनका स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तिगांव के विधायक राजेश नागर दिखाई दे रहे हैं सिंहराज अधाना के साथ। भारत माता की जय जयकार होते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में। सिंहराज अधाना निकल चुके हैं, उनके साथ विधायक राजेश नागर हैं जो दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ उन्हें लेने आए हैं, उनका स्वागत करने आए हैं। कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा नज़ारा है, कितना खुशी का माहौल है, कितनी गर्व की बात है हमारे फरीदाबाद के लिए। हमारे फरीदाबाद के दोनों बेटों ने पूरी दुनिया में फरीदाबाद का नाम रोशन कर दिया। आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में, विधायक राजेश नागर उनका स्वागत करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं कितना जमावड़ा है, आप देख सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। ये देखिए कितना अच्छा माहौल है, कितना अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं लोग हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए दोनों खिलाड़ी और उनके परिवार के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना जोश है लोगों में, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। ये देखिए लोगों ने बैनर अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं सिंहराज अधाना हमारे सामने दिख रहे हैं, उनके साथ हैं तिगांव के विधायक राजेश नागर। विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं सिंहराज अधाना विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको सिंहराज अधाना जी, फरीदाबाद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सिंहराज अधाना जी। फरीदाबाद आपके स्वागत में आज दिल्ली में टूट पड़ा है, उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं किस तरह से फरीदाबाद के लोग सिंहराज अधाना का और उनके साथ आए लोगों का स्वागत कर रहे हैं, उनके परिवार का स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरह से दोनों खिलाड़ियों का, सिंहराज अधाना का फिलहाल स्वागत किया जा रहा है। सिंहराज अधाना बाहर निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। बस भाई, यहाँ पर फरीदाबाद के और भी लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से आए हैं, किसके स्वागत के लिए? मिस्टर सिंहराज अधाना। तो सिंहराज अधाना के मिसेज हैं तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यस। अच्छा, हाँ जी, आपसे मिले? यस। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग कि रहा है। दो दो मेडल लेके आए तो खुशी का तो अवसर है ही। फरीदाबाद के लोग स्वागत के लिए यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आए हैं, इस पर क्या कहना है? यहाँ पे तिगांव से विधायक आए हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं और वो स्वागत के लिए यहाँ पे आए हैं, और हमारी गुजर सभा से भी भाई आए हुए हैं और बाकी हमारे सारे रिलेटिव है, जो फैमिली मेम्बर है, सभी आए हुए हैं। हरियाणा सरकार ने भी बहुत तारीफ की है सिंहराज अधाना की, इस पर क्या कहना है?
हाँ हरियाणा सरकार बहुत अच्छी है, उन्होंने हमें टाइम से मदद की है। यस यस यस, सपोर्ट किया, अच्छी है। क्या कहना है सरकार के बारे में? हाँ, सरकार ने जब हमको पैसे की जरूरत हुई तो हमें पैसा दिया। यस यस यस, बिल्कुल पूरा सपोर्ट है सरकार। अब आके आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ा बदलने वाली है, रोज लोग दर्जनों लोग मिलने आएंगे, सैकड़ों लोग, तो कोई नहीं, वो मैनेज करेंगे सब। वो हम पहले से ही, हमारे जो फैमिली है वो सामाजिक है, इन्होंने पहले भी सामाजिक कार्य बहुत किए हैं, तो पहले से ही आना जाना रहता है, तो अब कोई नई बात नहीं है। हम पहले से बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं सबको, हमारे लिए सब बहुत अच्छे हैं। नाम क्या है मैडम आप? मेरा नाम मिसेज कविता अधाना। बधाई हो आपको। थैंक यू। आप सिंह राज अधाना की तीनों बेटियों से बातचीत करेंगे एक एक करके। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम आपका? पूजा अधाना। बेटी है आप उनकी? हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कहाँ पे? विप्रो। विप्रो में, ये तो बहुत खुशी की बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कैसा लग रहा है आपको? वी आर सो हैप्पी। खुश है आप? बहुत ज़्यादा खुश है। बहुत। आप बताइए क्या नाम है? श्वेता। आप क्या करती हैं? आई एम डूइंग MBBS फ्रॉम जॉर्जिया। MBBS की पढ़ाई कर रही हैं, तो आप भी लाइन से हैं अमेरिका? हाँ जी। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम। अच्छा, आप बताइए। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, मैं उनकी सिस्टर लॉ हूँ। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने अपने भारत का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर दिया। क्या नाम है आप? रेनू। मेरा नाम रेनू है। बेटा कैसा? ये उनकी छोटी बेटी है। अच्छा, छोटी बेटी है। हाँ। क्या नाम बेटा? मनीषवी। खुश हो आप? चलो, तीनों बेटियां हैं और बहुत खुश हैं, परिवार खुश है, बेटियां खुश हैं, फरीदाबाद के लोग खुश हैं। नमस्कार, हमारे साथ हैं तिगांव के विधायक राजेश नागर, जिन्होंने एयरपोर्ट पर सिंह राज अधाना, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया, उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। सर, बहुत ज़ोरदार स्वागत आपने किया, क्या कहना है आप? देखो, ये गर्व की बात है और ये डिजर्व करते थे सिंह राज अधाना भाई। इन्होंने दो दो मेडल हमारे देश को दिए, ब्रॉन्ज और सिल्वर, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे गांव के लिए, क्योंकि सिंहराज भाई हमारे तिगांव गांव से ही हैं, और हमारे जिले के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। फरीदाबाद में और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन्हें किस तरह से सपोर्ट मिले? मनीष ने भी गोल्ड मेडल जीत कर दिया है हमारे ज़िले को, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उनको बधाई देने के लिए उनके घर पर भी खुद उनके माता पिता से मिला था, उनके भाई बहन से मिला था, और उनको बधाई दी थी। धन्यवाद सर, आप स्वागत किया जाएगा। हाँ हाँ, तो हमारे साथ है सिंह राज अधाना के पिताजी, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सर बधाई हो आपको। मैं आपको भी बधाई हो, क्योंकि हम, मैं सिंह राज अधाना का पिताजी हूँ, और यहाँ का जो उनके लिए हार्दिक स्वागत। सर बेटे ने बहुत मेहनत की और देश का नाम रोशन किया है कि नहीं? और तो एक ही ओलंपिक में दो मेडल आए हैं, इसलिए और ज़्यादा खुशी है हमें, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है। हमारा नाम, हमारे क्षेत्र का नाम और हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। भाई चलो, इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा भाई। उससे पहले मैं चाहता सर, आप लोगों का प्यार हर साथ चाहता हूँ। किस तरह की नौकरी? किस तरह की नौकरी करना सर? नौकरी तो मैं नहीं, सिर्फ आप लोगों सर, और इसमें आप लोगों के प्यार की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सबका बहुत धन्यवाद। कोरोना से उबर के आपने वापसी पाई? जी, कोरोना से मुझे ऐसे समय ऐसा था कि कोरोना की महामारी में जब मुझे बेड भी नहीं नसीब हो रहे थे, तो जैसे ही मेरे भाई राजेश नागर जी को पता चला, तो तुरंत वो घर छोड़ के अमन नागर भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मुझे हॉस्टल में सॉरी हॉस्पिटल में एडमिट कराने आगे, और जब तक मैं ठीक नहीं हो गया लगातार मेरे साथ बने रहा पूरा परिवार, जिसके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा। ये अच्छे नेताओं की देन है, इस सरकार की देन है। आप बहुत लोगों का मैं सजा ले नहीं रहूँगा आप लोगों का। कोरोना था तो कैसा महसूस हो रहा था कि मेडल अब आपका जो मिशन है शायद दूर ना हो जाए? बिल्कुल, एक बार तो ऐसा लगा कि मुझसे सब कुछ छिन जाएगा, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, लेकिन जब आप लोगों का प्यार, मुझे पूरे बस्ती का, शहर का मुझे प्यार मिला, शुभकामनाएं मिली, तो वो ताकत के रूप में उभरा मैं, और एक नया संकल्प मैंने लिया बैठ में पड़े पड़े कि सिंहराज अभी नहीं तो कभी नहीं, इस प्यार का कीमत चुकाने का यही समय है टोक्यो, और मैं कामयाब हुआ आप लोगों के आशीर्वाद और अपने टीचरों की मेहनत की बदौलत, जो सदा उन्होंने मेरा मोटिवेशन करा थी। सिंहराज बीमारी जा चुकी है, इन्हें भूल जाओ और कुछ नया कर लीजिए। आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर
सिल्वर मेडल विजेता सिंह राज अधाना का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हमारे सामने दिख रहे हैं सिंह राज, हमारे सामने दिख रहे हैं सिंह राज अधाना और तिगांव के विधायक राजेश नगर। आप देख सकते हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। बस